अग्नि आधान, अग्नि आधान रे कौन कौन पदार्थ आवश्यक से कथा को आम कल पढ़ी अष्ट पार्थिवा संहारा अपेक्षन्ते यथा सिकता उषा उषा मूषिक उत्कीर्ण मृत इति उषा पुनः आखु करिशम नाम करिशखंडम बल्मिक पपा नाम बल्मिके बल्मिक बल्मिकस्य उपरि विद्यमा विद्या मृत्तिका पुनः सुदः सुदः नाम अश्वस्य मृत्तिका वराह विहितम वराह विहतम वराह विहतम नाम वराह वराहेण उत्खादिता मृत्तिका पुनः शर्करा शर्करा नाम क्षुद्रपाषाण खंडा हिरण्यम हिरण्यमिति अवबोध्यते इति अष्ट पार्थिवाः संभाराः अपेक्षन्ते तत्र अग्नि आधान निमित्तं पुनः वानस्पति अथवा वार्ख्याः अपि तत्र सप्त तत्र पदार्थाः अपेक्षन्ते यथा अस्वस्थकाष्ठम् अस्वस्थकाष्ठम् यज्ञे व्यवहृतं भवति उदुम्बरवृक्षस्य काष्ठम् अपि अपेक्षते पलाशकाष्ठम् समीकाष्ठम् विकंतक काष्ठम विकंतक वृक्ष विशेष तस्य काष्ठम असनीहत वृक्ष शकलम असनीहत वज्रपातेन मृतस्य वृक्षस्य खंडम पुनः पद्मपत्रम अपि आवश्यकं भवति एतानेव पार्थिवान् वानस्पत्यांश संहारान् तस्मात् तस्मात् स्थानात् वृक्षात् च आवृत्य एकस्मिन् पात्रे प्रज्ञातान् तत् निदध्यात् बोलि सेठी कहिले हले माने पात्र मानको ए गोटे पात्र रे काष्ठ मानको सब संस्थापित करके रखिबो बोली कुहा गला ततः आहवनियादि अग्निना निर्माणम आहवनीय प्रवृत्ति गृह माने अग्नि मानकर गृह निर्माण करिबो माने कोन करिबो वेदी निर्माण करिबो आहवनीय वेदी निर्माण करिबो केमिति करिबो ता पाखरे करिबो केते केते व्यवधान रे करिबो से सबर विचार मध्य करा जाइछि तत्र गार्ह्यपत्यस्य वेदेहे गार्हपत्य वेदी को दिगरे थाए पिले माने शोभनम पश्चिम दिगरे गार्हपत्यस्य वेदेहे वेदी शब्दटा स्त्रीलिंग नोहे वेदी शब्दटा हर्षइकार एवं पुल्लिंग नहले गार्हपत्यस्य कहा जाय न थांदा बुझिला वेदी शब्द पुल्लिंग वेदी शब्द गार्हपत्यस्य वेदेहे कवि शब्द भलिया पश्चिमतः पृथक गृहम गार्हपत्य वेदीटा पश्चिम दिगरे एक पृथक वेदी निर्माण हब गृहम नाम अग्ने गृहम नाम वेदी वेदी आहवनीय अग्ने पृथक एवं आहवनीय पृथक करके तैयारी करा जीव कोठी पूर्व दिग विभागे ततयो हो अन्यतर अस्मिन् दक्षिण अग्ने स्थान एवं ए दीटा भितर पृथक दक्षिण अग्नि होंगे स्थान दक्षिण दिगरे दक्षिण दिगरे दक्षिण अग्नि स्थान आहवनीय से अग्ने ये देख काली निर्मल पचारुले तुम्हें कि सभ्य आवश्यक अग्नि कौटी थाए प्रकृत रे उत्तर दिगरे माने कंप्लीटली उत्तर दिगरे न थाए बोली मुझे तुमको कल कही आहवनीय जस्ट उपर को रही था बोली से ही लिखाई आहवनीय अग्नि पुरतः पुरतः नाम सम्मुखतः आठ सम्मुख कहले पिले तार सम्मुख कहले उपर को कहले से उत्तर दिग ही बुझे जस्ट तार टिके उपर को है आहवनीय अग्नि पुरतः सभ्याग्नि स्थान सभ्याग्नि बोली लिखाई स्थान बुझाक पड़ो तो आहवनीय वेदीटा पूर्व दिगरे जो अच्छे ठीक तार टिके उपरतः मान आग को उपर को डाण पटे नुह डाण पटे पूर्वतः पूर्व दिग को पूर्व दिग को नुह पुरतः नाम उपरी उपरी तस्य पुरतः आवश्यक्य पुणी ता आग को मानने आवश्यक्य पुणी उपर को आउ गोटे वेदी हम से आवश्यक्य अग्नि हम मानने जोड़े वेदी हम सभ्य अग्नि भिन्न आवश्यक अग्नि स्थान भिन्न दिटा पृथक पृथक स्थान बोली कहते तेज पाद टीका दुई कौन लिखाई देख कहीं कहीं गोटे वेदी कर दौर कारण तुमको कहली ना मुझे यज्ञ देखी थी वित्रविंदा युष्टि देखी थी तो से गोटे वेदी ही कराई दिटा वेदी कर स्थान अभाव समय क्रमे स्थान अभाव आम गोटे वेदी में करदे कि आगर प्रकृत दिटा वेदी हो मानने आहवनीय ऊर्ध को उत्तर को गोटे सभ्य ठीक पाख को लगे कि आउ गए आवश्यक दिटा वेदी कर तो ये पाद टीका दुई इदानीतन तु याज्ञिका वर्तमान काल याज्ञिक मान स्थान सौकर्जे असौकर्जे स्थान अभाव हूँ सुविधा हो
एकस्मिन् एव अवपरके त्रयाणां पञ्चानाम् अग्निनाम् माने गोटे ही गोटे जगह रे गोटे बेदी रे माने कोठे कोठे एबे तो जो यज्ञ होचे अमर गोटे बेदी होचे कोठे हमें चार दिगरे चारटा बेदी करूचे किछ त करूने ना सेइटा को से कहउचंदी गोटे एव गोटे बेदी रे त्रयाणां पञ्चानाम् अग्निनाम् कुण्डान् माने तीनटा जक अग्नि को गोटे कुंड नले पाँचटा जक अग्नि को गोटे कुंड रे करी कुण्डान् निर्माय तत्र तान स्थापयन्ति से गोटे बेदी रे सब खाली ना नै नै अग्नि को स्थापन कली ए अग्नि को स्थापन कली कहि कहि का कर दउछन्ति पाँचटा एते अग्नि माने बेदी होउनी बोली एठी से कहउछन्ति ततः तापरे कोन करिवो माने बेदी मानकर जो पार्थक्य अलग अलग बेदी हबो तद विषय रे ए कथा कह गला तो पंचाग्नि ही बोली करि पारो हाँ पंच वेद पंच कौन कह वेद बोली कह पार ए हेडिंग देकना ये कथा कह कौन कर व्रत धारण पॉइंट हूँ व्रत धारण पंच अग्नि पूरा आहवनीय आगे गार्हपत्य आहवनीय दक्षिणाग्नि सभ्य आवश्यक मान पंचाग्नि उत्तर को छाड़ी एम पंचाग्नि सामान्य भाव में गोटे हबिर जगार पंचाग्नि अवस्थान होता है पशु जग आसिले कि सोम जग आसिले उत्तर बेदी आसवे उत्तराग्नि आसवे है ततः हेडिंग दब कि व्रत धारणम बोलिका हेडिंग दब ततः यजमान नापितेन क्षूरकर्म क्षूरकर्म मान यजमान नापित मान कौन रेपिले नापित द्वारा क्षौर कर्म माने क्षौर कर्म तुम्हें क्षौर कर्म करिवे यजमान न कारण जते दिन शुभ कर्म पूर्व एसब करवा उचित कारण कर्म भितर तुम नख काटबनी चुटी काटबनी सब कथा थाए ना तेणु नख कर्तन आदि चकार इत्वा स्नात्वा नख कर्तन करी क्षौर कर्म करी स्नान करी क्षौमे वस्त्रे परिदध्यात् क्षौम वस्त्र होचि दुकूल द्वयम् दुकुल द्वय दीटा दुकुल दुकुल बोली कहीं कह जाए पिले किए कहीपर दुकुल कृष्ण जिते स्तोत्र प्राय दुकुल गोटे गीत ना ब्रजे बसंत नवनीत चोरम गोपांगना च दुकुल चोरम बोली गोटे श्लोक अच्छे दुकुल शब्दर अर्थ कौन अरे दो कूल परा कौन बुझु छ माने दुईटा वस्त्र तो दुकुल द्वयम पुड़ी को है जी ना दुकुल माने कौन दीटा मुंडो थिबा दुईटा पार्श्व हां दीटा पार्श्व बस सोबनम दीटा पार्श्व एमति गो वस्त्र तारे दीटा पाख एपट पाख सेपट पाख दीटा जको पार्श्व थिबो आ एसेटा सिले हे नथिबो सिले हे नथिबा तुमे जो धोती पिंधु छ पूजा कला बेले नुआ किरी सेटा होची दुकुल हला सेटा को पिंधिबा पई कहो दुईटा गोटे पिंधिबो गोटे उत्तरीय भाव धारण करिबो सेटा को दुकुल बोले कह जाय छि परिदध्यात् एवं यजमान पत्नी अपि यजमान पत्नी क्षौरंग बिना पत्नी तो क्षौर हबार नाही नख कर्तन बिंदु करिबो नख कृंतन आदिकं परम कारयित्वा किंतु नख कर्तन प्रवृत्ति करिकि क्षौममेव वस्त्र परिधि से भी क्षौम वस्त्र परिधान करिबो माने साड़ी जो पिंधिबो तार मोह सिले हे नथिबो मोह सिले हे गेले सेटा हबो नाही सेटा दुकुल बोले कह जिवनि सेतबेले हेला तार मुहटा जो एमती नुआ थाए से ही दुकूल बोली कह जाए ततः अधर्जु अपराह्ने यजमान से उपासनाग्ने अर्ध पृथकृत्य अपराह्नरे प्रातः काल सब कर्म कल है अपराह्नरे कौन कर यजमान से उपासना गृह उपासना हुए तेना उपासना अग्नि जो जो प्रज्वलित थे सेठ आणिकी तम गार्हपत्य गार्हपत्य बेदी में जो अग्नि संस्थापन हम सर्वप्रथमें कौन आसे प्रकृत में अरण्य मंथन होगा कथ तेब ये कौन गृह जो उपासना अग्नि थे उपासित होते पूजा स्थान आणिकी गार्हपत्य अग्नि हे पश्चात निधाय गार्हपत्य बेदी पक्षरे पक्षरे कहले सब पश्चिम दिगरे मानने पश्चिम दिगरे मानने तार पश्चिम पुणी पश्चिम से रख प्रज्वाल प्रज्वलित कर ब्रह्मोदन पाकार्थम ब्रह्मोदन कौन ब्रह्मोदन कौन पाद टीका तीन देख लिखाई ब्राह्मणानां ऋत्विजां भोजनाय जह पक्व ओदनः सह ब्रह्मोदनः हेलो ब्राह्मण मानकर भोजन पाइका जो अन्न पाक करा जाए ताकू ब्रह्मोदन कहा जाए हेलो तो घर उपासना अग्नि को माने उपासना गृह रे जो अग्नि थिबे तांकू आणिकी
दक्षिण अग्निर ए सरी गार्हपत्य बेदीर पश्चिम रे संस्थापन करिवो सेथिरे ब्रह्मोदन पाक करिवो ब्रह्मोदन माने ब्राह्मण मानक पई ऋतिक मानक पई जो अन्न रांधिवो सेई यज्ञ स्थल रे रांधिवो किंतु उपासना अग्नि को आनी किने रांधिवो तंडुला निरूप्य निरूप्य नाम निरूप्य शब्दर अर्थ होची प्रभूततया आनितेभ्य बहुत मात्रा रे चावल आनिथिबो कारण यज्ञ रे लागिवो पुणि ब्रह्मोदन पाक हबो तेणु से चाउल जी आनीथ ताधर किसी काढ़ी नब त प्रकृत अपेक्षिता तंडुला पृथक गृहत्वा तेषा पात्रांतरे स्थापना निरूप्य निरूपण निर्वाप जहाँ निरूपण से तेणु जी आवश्यक धर चारण ऋतिक अच्छे जी आवश्यक से प्रभुत चाउल तंडुल काढ़ी नब का पाक करूप्य बोली कई तापरे ब्रैहेयान ब्रैहेयान मान ब्रीही ब्रीही रु पढ़ा जा चाउल ब्रीही माने कौन कही धान रु कुटा है कि बाहरी चाउल अन्य चाउल हम ना है तेणु से ब्रीही रु तेणु ब्रैहेयान तंडुलान बोली कहुए तंडुल विशेषण भाव में व्यवहार होती ब्रैहेयान तान प्रक्षाल्य धोईब धोईकी चतुह चतुह शराब परिमितान शराब परिमितान देख कौन लेखा शराब नाम तस्तरी इति हिंदी भाषा शराब माने गोटे पात्र जहाँ शराब बोली कहते आमर ओडिया रे कौन कहती गौणी कि कौन ताको कहिबो तुम्हें कौन कहती सेर सेर गौणी जहाँ कहीपर गौणी तो बहुत बड़ कथा सेर कहती सब ओडिया रे आमर तो शराब हिंदी रे तस्तरी बोली कहते तो से मात्रे परिमितान जलपूर्णे महती पात्रे प्रक्षिप्य पचेत गोटे जलपूर्ण पात्र से चाउल को धोईकी पकईकिना पाक कर भक्तेषु भक्तेषु तंडुलांश अल्प अवशिष्यत तथा पक्तव्यम एमती पाक कर तो जमीक चाउल मानते रंधा होगला पात्र रांधुव से लगिज मानते तल को लगिगला भाया कर रांध ततः पक्वम अन्नम उद्वास्य उद्वासन शब्दर अर्थ काढ़ काढ़ रखा को उद्वास्य मानने जो पात्र अग्नि गोटे तो किसी तो गोटे करना से कौन जो गृह रु आनिल तुम्हें उपासना अग्नि को गोटे चूली बनईकना स्थापन करके मानते अन्न रांधि नचे कमी रांध तो उद्वास्य मानने से कौन रंधन स्थान रु उठे आणिकी तले रखा हो गला जाणी तो उद्वास्य बोली कहती ततः दर्बिया गृहित दर्बी मानने डंकी पिला काठरे जो डंकी तैयार हुए दर्बी बोली कहते दर्बिया गृहत्य तस्मिन एव अग्नौज हुयात आ से अग्नि रे दब आहुति दब आपस्तव स्रोत सूत्र रे कह जाय छी हला जो जति पछु प्रचुर माने अधिका टिके आनिबो अधिका टिके आनिकि ना ताको सेतिरे आहुति दब से अग्नि को आगे आमे एमिति भी रोसी कला बेले सब करनथिनि प्रथमे अग्नि को टिके दे दियंति त सेई भलिया ततः अवशिष्ट मोदनम तापरे आ जहा उदन कहले कोन भले उदन कहले कोन रे हाई सब पढ़ी आस हाईस्कल बॉयज ओदन उदाहरण व्याकरण उदाहरण ओदन मान कौन रे हाँ अन्न अन्न को ओदन कहती कहबनी कौन कि तुम एम ओदन मान अन्न है ओदन शब्द से अर्थ अन्नम तो ततः अवशिष्ट ओदनम चतुर्धा विभज्य पिंडम कृत्वा तापरे चारिजण ऋतिक चारि वेदर तेणु आउ जहाँ रहा अन्न ताको चारि गुंडा कर चारि भाग पिंड बनैब पिंड बन चारि भाग करिंड बनैब मानने जमी गोल गोल करदेव है चतुर्भ्य ऋतिक्य अधर्जादिभ्य चारिजण ऋतिक को अधर्ज प्रभृति को अधर्ज कर्तृ ये ब्रह्मा नहांती ब्रह्मा अच्छा अग्निध्रिय अच्छा उद्गाता दरकार ना ये उद्गाता आवश्यकता किसी ना तेज मोर प्रश्न अग्निध्रिय कौगणीय ऋतिक अग्निध्रिय कौगणीय ऋत्विक मु तुमको डाकी थी चारिगण चार चार षोल ऋत्विक नाम डाकी थी अग्निध्रिय कौगणीय ऋत्विक डाकी थी ना नहीं मन अच्छे ना नहीं ना भूली गल अरे डाकी ना नहीं मुझे कहो ना कौन पाई लेख होतृगणीय होतृगणीय ऋत्विज
अक्रोवेणीयाः ऋत्विजः अक्रोवणीय ऋत्विक के होता मैत्रावरुण मैत्रावरुणः होता मैत्रावरुणः अच्छावाकः अच्छावाकः ग्रावस्तुत ग्रावस्तुति खेलि करिवे अन्य किछि तंत्र कर्म नथाय ग्रावस्तुत दुई रे अध्वर्जुगणीयः अध्वर्जुगणीयः गणीयः ऋत्विजः अध्वर्जुगणीयः ऋत्विजः को माने अध्वर्जुः प्रतिप्रस्थाता प्रतिप्रस्थाता नेष्टा उन्नीता हैला तीन रे हेले उद्गात्र गणीयः उद्गात्र गणीयः ऋत्विजः उद्गात्र वाणी रीति खेले उद्गाता प्रस्तोता प्रस्तोता प्रतिहर्ता एवं सुब्रह्मण्यः सुब्रह्मण्यः सुब्रह्मण्य टाइटल साउथ इंडिया रे अच्छी सुब्रह्मण्य कही थे तुम्हें सब भूली जाइ तापर ब्रह्मगणीय देखु ना नहीं रे ब्रह्मगणीय ऋत्विज ब्रह्मगणीय ब्रह्मा ब्राह्मण सेंसी ब्राह्मण छंसी छंसी ब्राह्मण छंसी अग्निध्रह को अग्निध्रह को बढ़िया हेले सॉरी ब्राह्मणीय ब्राह्मण ही है चिकरे नहीं तो ब्रह्म लिखी अग्निध्रह धरे रफड़ा पुणी अग्निध्रह अग्निध्रह एवं पोता मैंने होती ब्रह्मगणीय ऋत्विक माने तेणु अग्निद्रिय आमर अधर्ज्य होतृ होतृ अग्निद्रिय एवं ब्रह्मा इति एते भ्यः दद्यात् ए चारि जन ऋत्विक मानकु से पाक करथिबो ताको तब बोली किना कह हौचि पात्रेच किंचित अवशेष है आ जो पात्र रांधिबो के टिके छाडीबो से पात्र रे हला किछि अवशेष रखिबो कोन पई रखिबो सेटा कहिबे से ततः अधर्ज्यु तापर केमिति से माने भोजन करुछन्ति तमे देखो एथुर बुझा पडुछि जेमति से माने भोजन करिवे सेतिरे को ऋत्विकंकर मुख्य भूमिका अछि ए जो अग्नि आधान कर्म रे सेटा सेथुर बुझा पडिवो देखो ततः अधर्ज्यु स्वीयं भागम सभ्य हस्ते दक्षिण हस्तेन पात्रस्थे अन्ने आज्यं प्रस्राव्य हला से कोन करुछन्ति बा हाथ से जो पिंडटा अधर्ज्य अधर्ज्यंकर प्रामुख्य रही बोली ए बुझा पड़ जाऊँगी अधर्ज्य कौन करेंगे जे निजर जो ब्रह्मदान जो पिंड बाँ हाथ में रखिए डाण हाथ में पात्र से अने हाँ पात्र थोड़ा बाँ हाथ में रज्यम प्रस्राव्य घी ढाड़े खाली अन्न कौन खाइबे घी ढाड़े तद अन्नम तापरे से कौन करिवे तद अन्नम तिस्रु भी फलवती भी अस्वस्थ समिध भी आलोड्य हला तीनटा अस्वस्थ वृक्षर समिध किंतु को भलिया समिध जो फलवती भी माने अस्वस्थ गच्छ माने फलवती भी समिध भी त माने फल माने एमती भाव रे से काठडा कटा हेतिव तादरे फलटे लागिथिव बुझी परछ अस्वस्थ वृक्षरे कारण फलंती
वृक्षर काठ ही यज्ञ कर्म व्यवहार हुए अन्यत्र तो हुए नी तबे काठ जो समिध कटा जाइ थिबो सेतरे ता फल टिके लागि थिबो सेमती तीनटा काठ आनिबे तीनटा समिध एकत्र से अन्न को पात्र रे थिबो अन्न को घांटिबे आलोडन करबा माने घांटिबा माने घीटा मिसिबा पैका ए कथा कहा हि छि आलोडन समय लग्नेन अन्नेन साकमेव आउ आलोडन समय रे सेतरे अन्न गुरुत्वयुक्त अन्न त लागि जेबो समिध रे कहिबो कोन ना साकमेव ताहा समिधः तस्मिन्नेव अग्नौ निदध्यात् से अग्नि रे से तीनटा जक समिध को आणि कि पके देबे को अग्नि रे ठीक को अग्नि बे अछंती अरे को अग्नि बे अछंती को अग्नि रे पके देबे किरे कहो ना को अग्नि अछंती बे को अग्नि अछंती उपस्थित को अग्नि ना गार्हपत्य भी आधान हेनी किछि आधान हेनी बे दा प्रथम घर पै से माने अग्नि को कर्म करबा को आसुचंती यजमान यजमान पत्नी को अग्नि अछि बे आवनिय कोड आसिला गार्हपत्य हेनी आवनिय कोड आसिबो हां अरे ब्रह्मवंदन को थै पाक करले से माने को अग्नि रे पाक करले ब्रह्मोदन गार्हपत्य रे करि नहंती तो ब्रह्मोदन को किने रे पाक हला सिरे गृहस्थ अग्नि न हां किछ सुन न किरे तमे उपासना अग्नि गृहर उपासना अग्नि को आणि की रखि की गोटे जागा रे सने अग्नि माने गार्हपत्य वेदी जोठी तयारी हबो पश्चिम रे से जगह तो स्थिति निर्धारण है ना कि अग्नि स्थापना है नी वेदी निर्माण है नी एपटे आने की माने तार पश्चिम रे उपासना अग्नि को स्थापना करले बोली बार बार कहली तुम शुण ना कि मन रख ना मु कौन करी आउ उपासना अग्नि से अग्नि रे दे देवे ते तीनटा समिध को तापरे ततः ऋतिज ब्राह्मणाः स्वस अन्नं भुंजीरन तापरे निज निज अन्न को समस्ते भक्षण करिवे इदं च समिधाधानं जस्मिन् अहनि अग्रे आधानं चिकीर्षति ततः एकस्मात् वत्सरात् पूर्वं तुमे जो दिन आधान करिबा इच्छा करू आधान करिबा माने तुमे सांगे सांगे अग्निहोत्र आरंभ करि देबो आधान करि नथिबा जे अग्निहोत्र करू न तेणु आधान करिबा बोली जेबे भाबिच तार गोटे वर्ष पूर्वरु पिला माने मन रख तुमे बहुत अन्यमनस्क रहउछ त गोटे वर्ष पूर्वरु अथवा अथवा द्वादश अहात दि अहात त्रि अहात वा पूर्व विकल्प विधान अछि वर्षे आगरु कर पार एक कथा आधान पाइका व्यवस्था बार दिन आगरु कर पार दि दिन आगरु कर पार तीन दिन आगरु कर पार हला पूर्वस्मिन बा दिने अथवा ठीक ता पूर्व दिन भी कर पार बुझैला जो दिन आधान करबो तुमे तार वर्षे आगरु कर पार बार दिन आगरु कर पार तीन दिन आगरु कर पार दिने आगरु कर पार गोटे दिन आगरु भी कर पार हला दुई दिन आगरु कर पारे कि गोटे दिन आगरु कर पारे ततः यजमान तस्याम रात्रो किंतु सेई दिन रात्रि रे जो दिन ब्रह्मोदन पाक करि तुम ऋतिक मान को डाकी किना रखिलो आधान करिवो बोली सेई दिन थारु व्रत आचरण करिवे यजमान एवं यजमान पत्नी नियम स्वीकारम व्रत ग्रहण नाम नियम स्वीकारम कृत्वा वीणा वेणु वादनाभिः जागरणम कुरुजे रात्रि रे सोइबेनी उजागर रहिबे हला एटा सब आकस्तम्भ स्रोत सूत्र लाइन पिले माने आकस्तम्भ स्रोत सूत्र रे कुहा जाइछि कोन कोन राति रे निद लागिव सेति में कोन कोन हब सुन बिना बाजिव बेणु बाजिव बंसी बाजिव ए सब बाजा बजे कि ना राति रे सोइबेनि माने उजागर रहिबे हैला राति रे सोइबाटा को मना करा जाइछि व्रत आचरण रे तको मना करा जाइछि आ कोटि कोटि भुई रे सोइबे बोली कुहा भुई रे सोइबे त से कथा भी कुहा जिवो तम अग्निम इंधनादि प्रक्षेपेण सर्वाम रात्रि प्रज्वाल्य रक्षेत तम अग्निम से जो अग्नि को ब्रह्मोदन पाक कल ताकि इंधन दे दे संविध प्रवृत्ति दे कि प्रज्वलित करके ना रखिव सेति पे सोइबनी नचे सोइबारे किछ असुविधा नै किंतु सेटा को केसे करिवे यजमान एवं यजमान को पत्नी करिवे जे जहां को पाई आधान हबो आ जे आगु को यज्ञ संपन्न करिवे से मान को पाई का ततः प्रातः उषः काले एव तस्मिन् अग्नौ आवरणौ पूर्व संभृते प्रतप्य अग्नौ
अग्नौ अरणी अरणी पूर्व संभृत्य प्रतप्य आणिक अरणी तुमको कहुआई एकाथर आणिक यज्ञ वेदी जो अच्छी से रखे बोलिकिना है तेनाली जगटा स्थान निर्धारण हो तो प्रातः उषह काले सका सका से कहते कि अरणी दुटा को से जो अग्नि को प्रज्वलित करके रखी थोड़े से आणिक उत्तप्त मानते देखे उत्तप्त कर प्रतप्त कर तम अग्नि समयत्वापर से अग्नि को शांत करदेव मानने निर्वाप करदेव आउ दरकार नहीं थे अग्नि एवं कारण अरणी धरल नुआ अग्नि को बाहर कर अग्नि को गार्हपत्य वेदी में संस्थापन कर जजमान हस्ते अरणी प्रजच्छेद है हाथ में जजमान हाथ में अधर्य देवे हाथ अरणीटा देवे जजमान जजमान ते प्रतिगृह जजमान ते ते नाम अरणीटा स्त्रीलिंग लता अरणी नदी नद कहीं ते कहला ते कहीं कहला ते मान स्त्रीलिंग से दीटा को है साते साते से अर्थर ते कहुआई तो अरणी दीटा को हाथ में धरिकी अभिमंत्री मंत्र पाठ करी जावान मंथनारंभम मथनारंभम स्वहस्ते एव धारयन आसीत माने मंथन करवा पर्यंत निज दि हाथ में धरिकिना ठिया हाब जजमान ततः अध्यर्जु गार्हपत्य आयतनस्य उद्धनन अवेक्षणादि कृत्वा हला गार्हपत्य वेदी रे अधर्जु कौन करेंगे गार्हपत्य वेदी से जो अरणी मंथन अग्नि संस्थापित हे ये अग्नि एजाए संस्थापन हो ना बिले तेणु से कौन करेंगे गार्हपत्य वेदीटा को कौन कर अभिमंत्रित करी कौन कहते उद्वहन उद्वहनन उद्वहनन मान टे खोलीदे अवेक्षण अवेक्षण मान टे चाहवा चाहवा से सब कर्म करेंगे पूर्व स्थापिता सिकता गृहित तुम्हें आणिक रखीच पार्थिव संभार पार्थिव संभार रु बाली रखीच बाली को कौन कर सिकता बाली धरिकी ताहा समसह द्वेधा विभाज्य समान भाव में बाली जी आनी दिभाग करदेव तापर एक अर्धम पुनः द्वेधा विभाज्य जो दि अधा भाग कल से पुणी अधिक दि भाग करदेव एकम भागम गार्हपत्य आयतने से जो कल मानने गोटे भाग मानने अर्ध भाग पुणी जो दिभाग कर गोटे भाग को गार्हपत्य वेदी में पकईदेव है तले बाली रचे कौन हम सब माने जो घृत आहुति दबे से सब पलैब भूं को पलैब तेणु यज्ञ प्रज्वल मानने काष्ठ को प्रज्वलित कर किए रख संविधा प्रज्वलित कर किए रख से बाली दि जाए तले एकम च दक्षिण आयतन आयतनी प्रक्षिपित आउ जो अधा रहा मानने गोटे अधार जो अधा अधा रहा गोटे अधा दे गार्हपत्र आउ अधा को दक्षिण आग्न रखीदेव बाली को पकईदेव अवशिष्ट अर्धम आउ जो अधा रही पिले ताकु तीन भाग कर आहरी तीन टा वेदी अच्छी ना से तीन भाग कल तो आहवन सभ्य आवश्यक आयतनेशु प्रक्षिपे ताभर गोटे आहवन तीन भाग कर गोटे भाग सभ्य रे गोटे भाग आवश्यक गोटे भाग केचित सभ्य आवश्यक न आदधते कहीं कि सभ्य आवश्यक दू दौ ना सिकता सब जाक आहवन दे दौरान अश्विनी पक्षी तस्य अर्धस्य आहवनीय निपपनम स्यात् निपपन नाम निपातनम स्यात् जेतेले नतब सेतेले कोन करिवो सब जक आहवनीय रे दे देबो बुझियला एटी व्रत धारणम बलि पॉइंट कल व्रत धारण को जे करिवो जो जे जजमान जजमान को पत्नी कोन करुचंती व्रत धारण करिके रात्रि उजागर करुचंती एवं प्रातः काल रे अरणी धारण करबा पर्यंत लिखि देबो अरणी धारण पर्यंत लिखे जो सिकता ना जाग वेद्याम सिकता स्थापन सिकता बहुवचन सिकता स्थापन करपार बिले है गार्हपत्याधान आधान कथा पढ़वा आगे गार्हपत्य वेदी तो गोटे प्रश्न हो पारे कि आधाने कस्याग्ने हाँ कस्याग्ने सर्वप्रथनम सर्वप्रथनम आधान क्रियते लिखि रख आधान कर्मणि एमती हम आधान कर्मणि कस्याग्ने सर्वादौ आधान क्रियते सर्वादौ आधानम आधानम क्रियते
आधान क्रियते। तो अग्निर आधान सर्वाग्रह थाय पले गार्हपत्यस्य हला उत्तर गार्हपत्य षष्ठी रे पत्र है छे ना तुम षष्ठी रे उत्तर दबो गार्हपत्यस्य गार्हपत्यस्य बुझेला ता पर देख गार्हपत्य गोटे दुटा पढ़वा तो निश्चित गार्हपत्य आधान केमती हुए एबे देख गार्हपत्य आधान गोटे तीन मार्किया प्रश्न पिला माने ताको मन रख अनेन एव प्रकारेण इतरान अपि पार्थिवान संभारान विभाज्य बुझी पारुछ जेमती भावे बालीटा को विभाजन कल सेमती भाव सब पदार्थ विभाजन करमती अग्निकुंड बाली को पकईवल जमी जमी भाग करना पकेल सेमती अन्य सब पदार्थ को पकेब तेसु तेसु आयतनेशु निदध्यात बुझी हूँ सब मूसामाटी को भी विभाग कर तापर गोटे भाग को पुणी गोटे अर्ध भाग को पुणी दिभाग कर दिभाग गोटे भाग गार्हपति गोटे भाग दक्षिण अग्नि दब आउ जो अर्ध भाग रहा तीन भाग कर पुणी आउ तीन बेदी पकेब एमती सब पदार्थ को करी कहुई एवं सप्त पार्थिवान संभारान आयतनेशु न्यूप्य न्यूप्य नाम संस्थाप्य है न्यूप्य आउ सतटा रहा ना बालीटा सरी जाइए तेनाली सप्त बोली कहले से तदुपरी तेनैव प्रकारेण सप्त वानस्पत्यानि संभारान न्यूप्य एतिके करि सारला परे आ जो वृक्ष संबंधी जो सातटा संभार अछि ता उपरे सब नेकि ना रखिबो बुझैला माने एतिके पार्थिव संभार सब तळे बेस बेस हैला ता आधार हैला रहिबो ता उपरे काठ सब सजेब सब प्रकार समिध अछि पलास ठ आरंभ करि पलास उदुम्बर वैकंतिक खदी खदीर नै वैकंतिक समी असनिहत वृक्ष एवं पद्म पत्र ए सब को पुणी रखे कौन कर तदुपरी हिरण्यम ना ये जो सातटा पदार्थ है सुनाटा को छाड़ दी जो प्रथम जो कहला सप्त पार्थिव पदार्थ से सुवर्ण टा को हिरण्य को छाड़ दी जो सुवर्ण को शेष ताऊ मान वृक्षर पदार्थ मान रही सारा सुवर्णम हिरण्यम निबपे सुना को पकईदब है निबपे चार नंबर पाद टीका आपस्तम कहुई बौधायन कहुई कात्यायन समस्त कही तत पूर्व समित अग्ने भस्म अपोह्य है समित अग्ने समित समित मान कौन कहल शांत शांत हो जाग्निकर भस्म को काढ़ीदब शांत हो जाए अग्नि कौटी से जो तुम्हें ब्रह्मोदन पाक करेठी अग्नि को शांत कर देठ पाउस आणिकिना अपोह तदुपरी अरण निक्षिप्य हाँ एवं से अरणी को रखी है पाउस काढ़ पाउस काढ़ अरण दीटा रखी तत्समीपे श्वेतम अश्वमेधम बध्वा तुम्हें पढ़ीच बाजुसेनी संगीता बेद पिला मैंने गोटे अश्व आवश्यक हुए तुम्हें जिते बड़े कौन कर चयन प्रकरण में गोटे अश्व बांधि थाओ कौन बांधि थाओ माटी निर्धारण करिबो अश्व तुम्हें जिते बड़े चयन रेदी जग बेदी निर्माण करुच से अश्वटा बाँ गोड़ जो थापिब प्रथम से बेदीटा नरम जदि धूली उठीगला मटी उठीगला बेदी से निर्माण हम से कहुई तो ये सेमती कथा कह जा मानने भूमि को परीक्षा करने अश्व को बांधि से कहते जे श्वेतम धला घोड़ा गोटे बांधि अरणी मंथे धला घोड़ा बांधिक अरणी मंथन करततः अग्नो उत्पन्नी क्षति अग्नि जो उत्पन्न होजमान बरम अध्वर्जवे दद्यात हाँ मान पांच पाद टीका देख जत्र जत्र सामान्यतः बरह देयत्वेन विहितः तत्र सर्वत्र गौहु एव अभिप्रेता बर दब जजमान बर दब बर मानने दान दब बिले है दान दब कौन दान दब से कहते कि गाई ही दान दि जाए प्रधानतया गाम एकाम दद्याति जो अरणी मंथन है अग्नि बाहरी जी जजमान गोटे गाई टे दान कर अरणी मंथन कौ दिज करे अरणी मंथन किए कर अरे अरणी मंथन किए कर जजमान आओ ना
ଅଧରଜକୁ ଦବ ଗାଈ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଯଜମାନ ଏବଂ ଅଧର୍ଯ୍ୟ ଅରଣି ମନ୍ଥନ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦାନ କରିବ, ହେଲା? ତ ଏଭଳିଆ କଥା କୁହାହେଇଛି, ଉତ୍ପନ୍ନ ସତୀ ବରମ ଅଧର୍ଯ୍ୟ ଦଦିଆ ତତଃ ଅଧର୍ଯ୍ୟ ମଥନ ଜାତମ ଅଗ୍ନି, ତାପରେ ଅଧର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ମଥନରୁ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? କରିଶ କାଷ୍ଠ ସକଳ ପ୍ରକ୍ଷେପାଦିନା ବର୍ଦ୍ଧୟିତ୍ୱା, ଅଗ୍ନି ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କୁ କରିଶ କେମିତି ନବ, କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଘଷି ଦେଖେଇକିନା ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ନବ, ହେଲା? ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କରିଶ ଖଣ୍ଡ କହିଲେ ଶୁଖିଲା ଗୋବର, ହେଲା, ସକଳ କରିଶ କାଷ୍ଠ, କରିଶ କାଷ୍ଠ ସକଳ, କରିଶ ମାନେ ହେଲା ଗୋବର ଘଷି ଏବଂ କାଷ୍ଠ ସକଳ ହେଲା କାଠ ଖଣ୍ଡ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବଢେଇବ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ ଜାଗ ବେଦୀରେ, କୋଉଠି ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟ, ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟରେ ରଖିଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଗୋବର ଶୁଖିଲା କାଠ ଖଣ୍ଡ ପକେଇବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବେ। ବର୍ଧୟିତ୍ୱା ବେଦେହେ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ଅବସ୍ଥିତେ ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟାର୍ଥେ କୁଣ୍ଡେ ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ସ୍ଥାପୟ, ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆଗେ ବାହାରେ, ସରି ବାହାରେ କାଠଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋବର ଦେଇକି ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିକି ନେଇକିନା ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟ ବେଦୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଇଦମେବ ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟ ଆଧାନମ, ପାଦ ଟିକା ତଳ ଦେଖ, ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟ ଅଗ୍ନି ହିଁ ଆୟତନମ ବୃତ୍ତାକାରମ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟ ବେଦେ ହେ ଆକାର କି ଦୃଶ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟ ବେଦେ ହେ ଆକାର କି ଦୃଶ୍ୟ, ଆକାର କି ଦୃଶ୍ୟ, ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟ ବେଦର ଆକାରଟା କୋଉ ଭଳିଆ? ବୃତ୍ତାକାର, ମନେ ରଖ ସେୟା, ବୃତ୍ତାକାର ବୃତ୍ତାକାର, ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ମନେ ରଖେ ସବୁ ବେଦରେ ଆହ୍ୱନୀୟ ଚତୁର୍ଦଶ ଚାରିକଣିଆ, ଆହ୍ୱନୀୟ ବେଦରେ ଚାରିକଣିଆ ପିଲାମାନେ, ହଁ, ଆହ୍ୱନୀୟ ଆକାର କେଦୃଶ ଲେଖି ରଖ, ଆହ୍ୱନୀୟ ଆକାର କେଦୃଶ, ଆକାର କେଦୃଶ, ଆହ୍ୱନୀୟ ଆକାର ଚତୁରସ୍ର, ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଛି ରେ, ଚତୁରସ୍ର ଦକ୍ଷିଣ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଗ୍ନେୟର କେମିତିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାକାର ଏମିତି ହେଇଥାଏ, ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ପଟା, ମାନେ ଗୋଟେ ପଟ ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇନ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନା, କ'ଣ ଖୋଲା ରହିବ କି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇନ ହେଇଥାଏ, ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାକାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଗ୍ନି ହେ ଆକାର, ଦକ୍ଷିଣ ଆଗ୍ନେ ହେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଗ୍ନେ ହେ ଆକାର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକାର, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକାର, ହେଲା? ଦେଖ ତାପରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି, ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟ ଆୟତନ, ଆୟତନ ମଧ୍ୟାତ୍, ହେଲା, ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟ ଆୟତନରୁ ପ୍ରାଚ୍ୟାମ ଦିଶି, ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟ ଆୟତନ ମଧ୍ୟାତ୍, ବୁଝିପାରୁଛ, ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟ ଏବଂ ଆହ୍ୱନୀୟ ଏମିତି ପୁରା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଥାନ୍ତି ପିଲେ, ହେଲା, ତାହେଲେ ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟ ବେଦୀରୁ ପ୍ରାଚ୍ୟାମ ଦିଶି ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ, ପ୍ରାଚ୍ୟାମ ଦିଶି କେତେ କେତେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ ଦେଖ, ମାନେ ପଶ୍ଚିମରେ ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆହ୍ୱନୀୟ, କେତେ ବ୍ୟବଧାନ କ'ଣ କହିଛି, ସନ୍ନବତି ଅଙ୍ଗୁଳିମିତାୟା ଭୂମୌ ଆହ୍ୱନୀୟ, ଆହ୍ୱନୀୟ ମଧ୍ୟମ ସ୍ୟାତ୍, ମାନେ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖେଇବି ତୁମକୁ, ଧର ଦିଟା ଦିଟା ଜାଗା ହେଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାଁ ପଟେ ଦେଖ ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟ, ଡାହାଣ ପଟେ ହଉଛି ଆହ୍ୱନୀୟ, ଗାର୍ହ୍ୟପତ୍ୟ ବେଦୀର ମଝି ଯୋଉଟା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆହ୍ୱନୀୟର ଯୋଉଟା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ, ତା ଭିତରେ କେତେ ବ୍ୟବଧାନ ହବ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ, ଷଣ୍ଣବତୀ, ଷଣ୍ଣବତୀ କହିଲେ କେତେ ପିଲେ, ଷଣ୍ଣବତୀ କହିଲେ କେତେ, ଷଡ଼ନବତୀ, ନବତୀ ଛୟାନବେ, ବାସ ଛୟାନବେ,
षण्णवति हाँ छयानबे छयानबे आंगुली व्यवधान रहिबो आर मझी तार मझी भितर डिफरेन्स हो मैंने गैप हो 96 अंगुली छयानबेटा आंगुली जिते में मापिबो आंगुली रे मापिबो हला छयानबे आंगुली आंगुली रो जति जगह से जगह आर केन्द्र स्थान तार केन्द्र स्थान भितर रहिबो बुझेला एटा मन रखिबो आहवनीय गार्हपत्य गार्हपत्याहवनीय योहो केन्द्रस्थलयोहो व्यवधानम् लिखि रख गार्हपत्य आहवनीययोहो गार्हपत्य आहवनीययो आहवनीययोहो केन्द्रयोहो व्यवधानम् केन्द्रयोहो व्यवधानम् व्यवधानम् कते अंगुलयः 96 षण्णवति अंगुलयः हला 96 अंगुली हव तापर से कौन कौन केचित गार्हपत्य आहवनीय हो अंतराल गताया एव वेदेहे तावन 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 मानम इच्छन्ति हाँ कहीं कहीं कौन पूरा पूरी गाह मैंने तार शेष मुंड हो छयानबे कहीं कहीं कौन मध्य भाग हो छयानबे हला तो गार्हपत्य आयतन से आग्नेयाम दिशि गार्हपत्य आयतन से आग्नेयाम दिशि आग्नेय कोण कौटा मत कह उत्तर पूर्व आग्नेय कौड़ आसो उत्तर पूर्व रे हाँ आहवनीय गार्हपत्य से कौन कह गार्हपत्य गारी हाँ दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण होची दक्षिण पूर्व कोणटा होची आग्नेय कोण हला तो गार्हपत्य आयतन से आग्नेयाम दिशि गार्हपत्य बेति पश्चिम रे अछि एवं दक्षिण रे अछि तुमर दक्षिण आग्नेय तार जो मझिरे जो कोणटा हला सेटा को हमें आग्नेय कोण कहिबा आग्नेयाम दिशि तत् संलग्न प्रायमेव दक्षिण आग्नेय आयतन दक्षिण आग्नेयटा पिले कंप्लीटली दक्षिण पटे हबनी सेटा आग्नेय कोण रे हबो बोली कहउछ बुझि हला बुझि पारुच एटा एटा ठीक पूर्व रे रहिबो सेटा ठीक पश्चिम रे रहिबो किंतु दक्षिण आग्नेयटा से कोणई कि रहिबो सेटा कंप्लीट एमते सीधा दक्षिण दिग रे रहिबो नाही आग्नेय कोण रे रहिबो हला एसो भाई माप सब अछि जो माप कि सुल्ल सूत्र माने से विषय रे कहि छन केते मात्रा रहिबो कोण करिबो से सब माप सब सेथि बुहाई छे अच्छा बुझियला ततः ब्रह्मा देखो ब्रह्मा जेतु सर्व वेद वित अटंती चारि वेद रे ज्ञान ब्रह्मांगर थिबो ततः ब्रह्मा सामगानम पूर्ज्यात न वा करले चलिब न करले चलिब न वा विकल्प रे कहा हेछि तनो ब्रह्मा सामगान करिवे बोली कहा गला बुझियला बिले हां एतिकी कथा परे माने कार्यपत्य वेदी रे जेतले अग्नि संस्थापन हेइ जाउचंती ठीक ठीक माप परे तापरे ब्रह्मा सामगान करिवे बोली कहा हेछि दक्षिण अग्निटा पढ़ी के हम रखिबा आजि दक्षिण दक्षिण अग्निनौ दक्षिण अग्नि आधानम संधि हेछि दक्षिण अग्नियाधानम एटा कौ संधि दक्षिण अग्नि युक्त आधान ठीक अच्छे देख ततः सूर्य से दक्षिण अग्नि संस्थापन कौ समय हम पुणी कहुच देख हाँ से दिन तो दिन रे कले एटा को देख के कहुच करने ततः सूर्य से अर्धोदय समय देख सूर्य मानक आगे गार्हपत्य वेदि आगे संस्थापन हो गला बिले सेटा गोटे दिन काम सेटा सरला परे ता पर दिन कथा कहा हो कारण दक्षिण आदमे गार्हपत्य वेदि संस्थापन दिन में कल मानने संध्या बेले अग्निहोत्र आहुति निश्चित भाव में प्रदान कर हला तेणु संध्यार अग्निहोत्र प्रदान कर पर दिन सका ततः सूर्य से अर्धोदय समय अधा उदय होते सूर्य पूरा आसी नए गार्हपत्य प्रज्वाल्य गार्हपत्य वेदी अग्नि थे प्रज्वलित कर प्रज्वलित कर कौन देना करीस खंड एवं काष्ठखंड देकिना प्रज्वलित कर तत्र अस्वस्थ काष्ठानी आधाय अस्वस्थ काठ को पकेब हला प्रदीप्तानी तानी अंशतः गृहीत्वा एवं जळुथुबा से अस्वस्थ काठ को किछि अंश माने मेंछि पकेब अल्प सह किछि आनी कि ग्रहण करिब केमती आनिब हातरे त आनिबनी ना अग्निटा को हातरे केमती आनिब केमती आनिब से कथा भी कहाइ छि सिकताभिहि उपसंग्रह्य बाली रखिब हला पात्र रे हो बाली रखिब बाल हाथ रे बाली धरिबो
उपरी उद्धृत्य हस्तेन धारयन अध्वर्युः तिष्ठेत्। बुझिपार हाथ में बाली धरव एवं बाली उपरे अग्नि को किसी अग्नि को काढ़ अध्वर्यु धरिकी आणिकी दक्षिण अग्नि आगे स्थापन करेंगे। आगे गार्हपत्य दक्षिण अग्नि आधान हम दुई रे देख पादटिकार स्पष्ट कर आहवन आधानार्थम प्रज्वलितात् गार्हपत्य अग्नेः कंचित भागम आदाय पात्रे कस्मिंश्चित् निधाय साग्निम् तत्पात्रम् स्वहस्ते गृहीत्या तत्रैव तिष्ठति अध्वर्यौ अग्निध्रियः दक्षिणाग्निम् आदध्यात् इति आपस्तम्भः। आपस्तम्भ स्रोत सूत्र अनुसार पिलाने से कहते जे जो सेठी किसी अस्वस्थ काठ पकेबा कह जाऊनी प्रज्वलित कल तुम गार्हपत्य को गोटे पात्र रे बाली रखिब से पात्र रे बाली रखिबा को कहनी पात्र खाली बहेजी कस्मिंश्चित् पात्रे निधाय कौन से गोटे पात्र रे से अग्नि को किसी मात्र रे नहीं आसिकी आगे दक्षिण अग्नि ना आगे आहवनीय रे संस्थापन करिब बोली आपस्तम्भ स्रोत सूत्र कहते तेज हाथ में धरिकी अध्वर्यु ठिया हे एवं अग्निध्रिय मान ब्रह्मवणीय से नहींकना आहवन संस्थापन करेंगे ये कथा को कहुई से पादटिका दुई आम देखिए तदा कितु ये कहुच्छे कौन देख बाली रखी बाली पात्र रख तथा अग्निध्रिय लौकिक अग्नि जतः कुतश्चित आनीय अग्निध्रिय अलौकिक अग्नि को कौट कौट भी नहीं आस लौकिक अग्नि मैंने घरे अग्नि जहाँ थी कौट भी नहीं आस अथवा विकल्प विधान कराई अथवा गार्हपत्यात् गृहीत्वा मथित्वा वा तीन प्रकार विकल्प घरे अग्नि को नहीं आस लौकिक अग्नि चलिए अथवा एवं जो गार्हपत्य अग्नि को संस्थापन कल ताकि प्रकृत नियम गार्हपत्य को आने की संस्थापन करवा पुणी थर अराणी मंथन करना कर दक्षिण अग्नि आयतने संभाराण पूर्व निहितान निर्दय संभार सब रखीच आगे हूँ पार्थिव तापर बारहस्पत्य नहीं अग्नि को संस्थापन करियम है आगे गार्हपत्य दक्षिण अग्नि एमती राउंड रे अग्नि संस्थापन हम एपटू है तो इदमे दक्षिण अग्नि आधान अत्र आहवनीय से उपरी उद्धरण काले ब्रह्मा वामदेव्यम साम गायत नव एवं आहवनीय उपरी जिते बड़े संस्थापन माने से कहते अत्र आहवनीय से उपरी उद्धरण काले जिते बड़े आहवनीय प्रति अग्नि को नब से सामगान वामदेव्य साम सामर सब ना अच्छी तेज ब्रह्मदेव्य सामगान करेंगे ब्रह्मा करी नपारती विकल्प विधान अच्छी आज से थाउ आ दीटा रहा आहवनीय सभ्य आवश्यक सभ्य आवश्यक एकत्र कहुई आम पर क्लास आसंता का क्लास पढ़ा है जहाँ पढ़ु पॉइंट करके लेख पे है पॉइंट करके लेख नचे केमती हम।